सब मैंने आपको बताया। आगे मैंने पढ़ाया आपको करण कारक तृतीय विभक्ति, करण कारक किसे कहते हैं और तृतीय विभक्ति किस किस के योग में होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपको विषय को आगे बढ़ाते हुए जो आपके कोर्स में है वो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आप ध्यान से समझिए और याद भी करिए, क्योंकि बहनों ये जो आप पढ़ोगी वो आपको काम में आने वाला है। क्योंकि इससे मैं पहले भी आपको कई बार कहती हूँ, इससे अनेक टॉपिक हल होंगे इस वाक्य निर्माण से। इससे घर बैठे बैठे आप अपने पुस्तक के पीछे जो नियम दे रखे हैं उनको आप अच्छे से हृदयंगम करें, बार बार में उसको पढ़ने का अभ्यास करें, उनको टिप्स पर याद करें, किस किस के योग में कौन कौन सी भक्ति होती है, बोर्ड के पेपर में जो आने वाला है वो आपको सबको पता है किस प्रकार से पेपर आएगा, कैसे वो पूछा जाएगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए संप्रदान कारक, संप्रदान कारक किसको कहते हैं, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कहा जाता है। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कहा जाता है, और संप्रदान में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब दान देना, दान देने में दान किसी को दिया जा सकता है, ब्राह्मण को दिया सकता है, गरीब को भी दिया सकता है। जिसको हम दान देते हैं उसमें हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं। अब है निर्भय निर्धनाय धनम यच्छति, राजा गरीब के लिए, निर्धनाय गरीब के लिए धनम यच्छति यानी धन देता है, वैसे ही निर्भय ब्राह्मणाय धनम यच्छति, निर्भय ब्राह्मणाय अन्नम यच्छति। हम अनेक वाक्य बना सकते हैं, वस्त्राणि यच्छति यच्छति दुग्धम यच्छति, अनेक वाक्य आप बना सकते हैं। ध्यान में हमें रखना चाहिए, रखना है कि देने के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, दान कर्म करने के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब रुच्यतानाम प्रियमान है, रुच्यतानाम प्रियमान है, रुचिता में जो रुचिकर है जिसे हमें बहुत अच्छा लगता है, उस धातु के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच्यतानाम प्रियमान है, रुचि धातु के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, अब किसको अच्छा लगता है, बालक को, तो बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, ये बालक किसको अच्छा लगता है, बालक को, तो बालकाय चतुर्थी भक्ति हो जाएगी इसमें। लड्डू अच्छा लगता है तो मोदकम, मोदकम। अब रुचि धातु जो आत्मनेपदी धातु है, इस रुचि धातु के रोचते 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 रोचे रोचा वहे रोचा वहे। हमें बहनों लटलकार में आत्मनेपदी धातु तो हमें याद एक धातु याद होनी चाहिए, जब जब हम वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि श्रुति संशोधन में भी पूछ लेता है बोर्ड में, तो रोचते रोचते रोचनते, तो बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो रोचते। समझ में आ गया आपको, रुचि धातु के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसके रूप कैसे चलते हैं मैंने आपको बताया, सेव धातु की तरह, बुध धातु की तरह, वृद्ध धातु की तरह इसके रूप चलते हैं। अब अगला सूत्र है का प्रयोग करना है। आगे देखिए